हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक DIY लेके आई हूँ जो कि आपको ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलेगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में मोजे होते हैं, बहुत सारे मोजे होते हैं, क्योंकि सबके जितने भी फैमिली सदस्य होते हैं सबके अलग अलग मोजे होते हैं, कम से कम तीन तीन चार चार पाँच पाँच जोड़ी तो होते ही हैं। उनका नॉर्मली अक्सर क्या होता है कि वो या तो इधर से जैसे ये लास्टिक ढीली हो गई है तो ऐसे हो जाते हैं, या फिर फेडेड हो जाते हैं, या फिर फट जाते हैं। तो इनका हम क्या इस्तेमाल करते हैं और इनको किस रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर इनको फेंक देते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हस्बैंड का मोजा एक खो गया तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन हम सिर्फ इस एक मोजे से भी बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़ बना सकते हैं जो आपको ऑनलाइन ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये टिप बताऊंगी कि आपका मोजा खोए नहीं तो किस तरीके से आपको मोजे को फोल्ड करके रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे मोजे हैं इनका आप कोई सा भी जैसे आपके मोजे हैं तो आप इनको फोल्ड करना चाहते हैं तो आपको इनका फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने सेट का मोजा ले लेना है। जैसे ये मोजा है, उसके बाद हमारा ये सेट का मोजा है। इसको हमें फ्रेंड्स देखिए इस डायरेक्शन में, जैसे इसको इस मोजे को हम इस तरह रखें और इस मोजे को हम इस तरह रखेंगे। आपको देखिए, आप हमको इसको प्लस की शेप में रखना है, फिर हमको इसको ऐसे कर देना है, फिर हमको इसको ऐसे कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। और ये जो लास्टिक वाला शेप है, लास्टिक वाला है इधर का, इसको हमको देखिए इस तरीके से घुसा देना है। देखिए लास्टिक में उलट पलट के हमको इसमें घुसा देना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ये हमारा मोजा कहीं भी नहीं खोएगा और ये सेफ भी रहेगा। दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो आप इसको, एक तो ये तरीका हो गया हमारा फ्रेंड। दूसरा तरीका हमारा मोजों को एक साथ रखने का तरीका, हम ये दो मोजे ले लेंगे और इनको क्या करेंगे कि एक साथ ऐसे इसमें गांठ लगा देंगे ऐसे, तो इस तरह से भी हमारा मोजा कहीं भी खोने वाला नहीं है। अब मोजे का DIY बना के दिखाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इस मोजे का DIY दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए हमारे पति का वो मोजा जो कि एक आप खो चुकी हैं और दूसरे को आप फेंकने वाली हैं, तो हमको उस मोजे का यूज़ करना है। नया मोजा आप पति का मत लीजिएगा वरना आपको डांट पड़ सकती है ये, और आप मेरे चैनल को ब्लॉक भी करवा सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपने पति देव का नया मोजा मत लीजिएगा और मेरा चैनल भी आपके मोबाइल से ब्लॉक नहीं होगा। अब हमको देखिए क्या लेना है दूसरा सामान। हमको देखिए ये स्क्रबर, ऐसा स्क्रबर नॉर्मली मार्केट में आपको 5 रुपया में मिल जाता है। आप किसी भी तरह का स्क्रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, और मेरे पास ये था तो मैं इसको ले ली। ये हमारा स्क्रबर हो गया। अब हमको क्या लेना है फ्रेंड्स, हमको हमारा सुई धागा लेना है। देखिए
मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप सिलाई मशीन से सिलिए, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब सुई में धागा डालने के बाद फ्रेंड्स हमको इसमें इस धागे में देखिए इस धागे में गांठ लगा देना है, ऐसे करके नॉट लगा देना है। और नॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स हमको ये अगर हम इसको ऐसे रख के सिलेंगे तो हमारा ये सिल जाएगा, फिर हमको पहनने में दिक्कत होगी। तो हम इस मोजे को ऐसे हाथ में डाल लेंगे कि हम देख लेंगे कि हमको किस तरफ सिलना है, कैसे सिलना है। ऐसे हमने मोजे को डाल लिया और उसके बाद ये स्क्रबर रख दिया। और फ्रेंड्स इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको सुई में और उसी हाथ से हम इस स्क्रबर को पकड़ लेंगे ऐसे करके। और देखिए इस तरीके से जो हमारी ये नीचे की लेयर है नीचे रहेगी और ये जो ऊपर की लेयर है मोजे की इसको हम ऐसे ऐसे इसमें सिलते जाएंगे। बहुत ही आसानी से सिल जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और फ्रेंड्स इसको आप जब सिलेंगे और इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी ना तो फ्रेंड्स आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये चीज़ मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, देखिए थोड़ा संभाल के सिलेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सुई भी नहीं चुभेगी। देखिए जैसे मैं ये सिलती जा रही हूँ, आप चाहें तो किसी का हेल्प ले सकती हैं लेकिन मेरे पास कोई नहीं है तो मैं अपने आप ही कर ले रही हूँ। आप इस तरीके से किसी की हेल्प से पकड़ा सकती हैं लेकिन कोई नहीं है तो हमको किसी काम के लिए बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करना चाहिए। देखिए आपसे बात करते करते देखिए फ्रेंड्स मैंने दो लेयर सिल ली, एक इधर एक इधर। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये मोजा और स्क्रबर सिल चुका है और आप देख रहे होंगे कि हमारी ये लेयर भी नहीं सिली है और ये सिल चुका है। चलिए अब मैं इसका आपका उपयोग बताती हूँ। इसके दो उपयोग हैं, पहला उपयोग कि हम इसको हाथ में पहन लेंगे। और चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ, मेरे घर पे टाइल नहीं है तो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि पहला तो उपयोग हम इस पे ऐसे करके टाइलों का क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसमें आप कोई भी साबुन या वाशिंग पाउडर या कुछ भी आप जिससे साफ करना चाहते हैं तो खूब अच्छे से आराम से इससे आप टाइल्स का क्लीनिंग हो जाएगा और आपको इसके ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये भी आपको काम का लगा कि नहीं लगा, टाइल वगैरह है या दीवार वगैरह है या कुछ भी आप क्लीन कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा, अब फ्रेंड्स आपको मैं इसका दूसरा उपयोग बताती हूँ। हम इस तरीके से बर्तन धोने वाली साबुन लगा लेंगे, ये साबुन अभी सूखी है लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पे दिखा रही हूँ। तो हम इस तरीके से तो हम अपने, ये मेरा हाथ उल्टा हो गया है, मैं आपको इस हाथ में मोजा पहन के दिखाती हूँ। देखिए इस हाथ में मैंने पहन लिया, इसमें हम ऐसे साबुन लगाएंगे और फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम आराम से बर्तन ऐसे ऐसे मांझ लेंगे। देखिए और कभी कभी फ्रेंड्स ये होता है कि हम बर्तन मांझ के रख देते हैं तो एक सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ निशान पड़ जाता है सर का, जब गर्मियों में बर्तन सूखने लगते हैं तो उसमें हमको छुटाने में एक कपड़ा की ज़रूरत पड़ती है अलग से। तो ये मोजा आपका दो तरह से काम करेगा, जब आपको बर्तन मांझने हो तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए और जब आपको बर्तन को पानी से धुलना हो तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे घुमा दीजिए इस तरफ हथेली की तरफ और आप इसमें देखिए आप इसको ऐसे देखिए पानी लेके और आप इस तरीके से आराम से धो सकते हैं। और इस तरह जब आप धोएंगे तो आपको कोई दूसरा स्क्रबर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका एक ही स्क्रबर काम करेगा और हमारा देखिए फ्रेंड्स बर्तन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी वीडियो, आप इस तरह की और इसको बाद में बर्तन हम धोने के बाद
इसको हम देखिए अच्छी तरीके से धो करके, देखिए इसको अच्छी तरीके से धो करके और कहीं भी आपकी जहां मर्जी हो आप इसको फैला सकते हैं, और ये जब सूख जाएगा तो आपका फिर दोबारा काम में आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से आप मशीन वगैरह भी अच्छे आराम से क्लीन कर सकते हैं। देखिए जैसे साइडों साइडों में जम जाता है गंदगी, देखिए आराम से इससे आप क्लीन कर सकते हैं। कुछ किस मतलब मेन मकसद हमारा क्लीनिंग में ये बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो आपको बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।